क्या जोशीमठ के साथ साथ लुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम? क्या कलयुग के अंत से पहले ही भगवान बद्रीनाथ धरती को त्याग देंगे? दोस्तों, जोशीमठ की यह महाप्रलयकारी तबाही भगवान श्री बद्रीनाथ के धाम तक पहुंच चुकी है। क्या बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या कलयुग के अंत से पहले ही भगवान बद्रीनाथ धरती को छोड़ देंगे? दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ धाम को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जोशीमठ में बढ़ रहे भूस्खलन ने सभी को चिंता में डाल दिया है। क्या इसके पीछे भी छिपी है कोई भविष्यवाणी? हाल ही में जोशीमठ भूस्खलन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण से लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। साथ ही कई लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ घटनाएं होने की भविष्यवाणी युगों पहले ही की जा चुकी है? इन धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि भविष्य में इस स्थान पर भूकंप, सूखा, प्रलय इत्यादि आएंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। धार्मिक पुस्तकों में ये भी बताया गया है कि भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मुख्य तीर्थ स्थल गुप्त हो जाएंगे। भविष्य में बद्रीनाथ नाम के एक नए तीर्थ का जन्म होगा। ऐसा होने में अभी कई वर्षों का समय लगेगा, ये भी बताया जाता है कि साथ ही वर्तमान समय में भविष्य बद्री के दर्शन के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जोशीमठ को ही मुख्य द्वार कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम केवल 45 किलोमीटर और केदारनाथ धाम महज 50 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।